हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीड फॉर गेमर्स डब्ल्यू डब्ल्यू ई हैवी वेट चैम्पियनशिप गोल्ड वर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर में आप सभी का स्वागत है। तो यहां पर देख ही सकते हैं मैच हमारी स्टार्ट हो चुकी है दोनों प्लेयरों के बीच। ओ भाई, ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्टील केज के अंदर। तो फिलहाल डब्ल्यू डब्ल्यू ई हैवी वेट चैम्पियनशिप के अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेयर एक दूसरे को अपनी गंदी तरीके से पीट रहे हैं। फिलहाल गोल्ड वर्ग और ब्रॉक लेसनर काफ़ी तगड़े प्लेयर हो, काफ़ी दुश्मन, बहुत बड़े दुश्मन एक दूसरे के। फिलहाल ब्रॉक लेसनर ने गोल्ड वर्ग की लंका लगा दी स्टार्टिंग में, और यहां पर आप स्टील केज के अंदर कोई रिंग के बाहर भी नहीं जा सकता। तो सीन बहुत ज़्यादा ही बुरा कर रखा है। ओ भाई, गोल्ड वर्ग के लग गई बहुत ज़्यादा, बहुत ही बेकार। गोल्ड वर्ग की हालत डाउन कर दी ब्रॉक लेसनर ने। Okay, ये क्या, ओपन द डोर, डोर क्यों खुलवा रहे हैं? लेकिन क्या पता, ओहो परफेक्ट ले भाई, ये सीन सही था, बहुत ही बढ़िया। दोबारा से गोल्ड ओवर ने आते रखना स्टार्ट कर दिया पे ब्रॉक लेसनर के। और ये क्या भाई, ब्रॉक लेसनर सही टाइमिंग का इस्तेमाल करके परफेक्टली गोल्ड ओवर के हाल डाउन कर दी। ओहो, ब्रॉक लेसनर ने तो भूत बना दिया गोल्ड ओवर का यहाँ पे। रेफरी वन, नहीं, इतना जल्दी तो पिनफॉल होने से रहा। दोबारा से उठाया, ओहो इस बार गोल्ड ओवर ने सही टाइमिंग के साथ ब्रॉक लेसनर को पकड़ा और ये परफेक्ट रस्सियों पे फेंक दिया। या तो पिनफॉल की क्या ज़रूरत है, इतना जल्दी ने पता कि क्यों एलिमिनेट तो होने से रहा, पिनफॉल इतना जल्दी क्यों कराएं। ओ भाई, ये पकड़ ली ब्रॉक लेसनर ने गुड्डी और ये पड़ी पंच, परफेक्ट हालत डाउन कर दी ब्रॉक लेसनर गोल्ड वर्ग की। और दोबारा से फिर से ये भाई गए गोल्ड वर्ग, ये क्या रिंग कॉर्नर पे ले जाके। ओहो, ब्रॉक लेसनर तो पूरी डाउन कर दी हालत यहाँ पे, और गोल्ड वर्ग तो पूरे येलो हो गए, उनकी बॉडी पूरी येलो हो गई है। रेफरी वन टू, नहीं, इतना जल्दी तो कोई एलिमिनेट होने से रहा। प्लस ब्रॉक लेसनर के पास एक सिग्नेचर आने वाली है, देखते हैं सिग्नेचर। बहुत ही बढ़िया, एक सिग्नेचर आ चुकी है ब्रॉक लेसनर के पास। ब्रॉक लेसनर ने उठाया, ओह रिवर्स कर लिया गोल्ड वर्ग ने, क्या बात है, गोल्ड वर्ग ने रिवर्स करा और ब्रॉक लेसनर की मौका लगाई। ओह परफेक्ट मूव, दोनों के पास एक एक सिग्नेचर है दोनों के पास। और ये क्या, केस के ऊपर क्यों जा रहे हैं, लेकिन एक क्लाइम का फायदा नहीं है गोल्ड वर्ग, ब्रॉक लेसनर उठेगा गोल्ड वर्ग को भाई। ओहो, दोबारा से जंपिंग में पंच, क्या बात है भाई, कूद के मारा है और ये रिवर्स कर लिया ब्रॉक लेसनर ने। रिवर्स के साथ उठाया गोल्ड वर्ग को और दे दिया ये जर्मन सुप्लेक्स सिग्नेचर, क्या बात है। वन और ये टू और ये सुप्लेक्सिटी और ये एक और थ्री, क्या बात है। और एक फिर से दोबारा से टैग, ओह मतलब पिनफॉल, वन टू और ये फिर से रिवर्स कर लिया गोल्ड वर्ग ने। ओके, तो फाइनली क्या बात है, ब्रॉक लेसनर ने फिर से एक अपना फिनिशर दे दिया गोल्ड वर्ग को। पहले सिग्नेचर है फिनिशर, फिनिशर पड़ते ही ब्रॉक लेसनर की बॉडी और सर दोनों की हो चुकी है, सॉरी गोल्ड वर्ग की। और गोल्ड वर्ग तो पूरे पूरे स्टन थे, अब इन्होंने रेजिलेंसी भी यूज़ कर ली गोल्ड वर्ग ने, गोल्ड वर्ग की रेजिलेंसी जा चुकी है। और ब्रॉक लेसनर तो भाई फुल उनकी पावर अभी ग्रीन में ही है, गोल्ड वर्ग तो रेड भी खत्म हो गई है। तो गोल्ड वर्ग बहुत ज़्यादा ही पिट रहे हैं अभी ब्रॉक लेसनर से। ये उठाया ब्रॉक ने, दोबारा से भाई पटक दिया, बहुत ही बेकार। गोल्ड वर्ग की तो बॉडी सर दोनों पीली हो चुकी है और फाइनली ये विनर है ब्रॉक लेसनर, क्या बात है। डब्ल्यू डब्ल्यू ई हैवी वेट चैम्पियनशिप के विनर हैं ब्रॉक लेसनर। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, आप सभी का दिन शुभ हो। Classic matches between Lesnar and Goldberg, and the conqueror conquers once again, Corey. Earlier in their careers, Goldberg had Lesnar's number, but that wasn't the case tonight.